नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। हर एक डीएलएड वाले प्रशिक्षु, हर एक बीएड वाले प्रशिक्षु, सारे प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आप सभी का जो ख्वाब है ना शिक्षक बनना, आप सभी का ख्वाब है शिक्षक बनना, हर किसी का ख्वाब है शिक्षक बनना। डीएलएड और बीएड आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ख्वाब होगा कि मैं एक शिक्षक बनूँ और प्राइमरी शिक्षक का टीचर बनूँ, जूनियर लेवल का टीचर बनूं। तो आपका ख्वाब होगा, आप सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दिए होंगे, क्वालिफाई भी किए होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे सुपर टेट के लिए, और चार साल से वैकेंसी भी नहीं आ रही है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे खबर आ रहे हैं ना, जिसको मीडिया द्वारा भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही है। मीडिया के द्वारा यार, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यार, उनके द्वारा मतलब चीज़ों को गलत तरीके से आंका जा रहा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। पता है, थंबनेल पे कुछ भी लिखे हों ठीक है, अंदर लेकिन सही बताना चाहिए उनको ना। मैं मान सकता हूँ कि जो अभी आज का नोटिस आया है, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा इस नोटिस को और आप सभी लोग को सुनाऊंगा, इस नोटिस में क्या लिखा है। इस नोटिस में यह नहीं लिखा है मेरे भाई कि स्कूल और मतलब प्राइमरी जो टीचर हैं प्राइवेट हो जाएंगे। मैं आप सबका एक तरह से मन रखने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सभी के जैसा ही मैं भी हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, है ना। तो मैं इस चीज़ को आंका हूँ। देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं इस समय कि इस चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, इक्का दुक्का को छोड़कर। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपके आने वाले समय में टीचर की जो जॉब है वो एक तरह से प्राइवेट हो जाएगा मेरे भाई, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है और ऐसा होगा भी नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, मान लो प्राइवेट, क्या पहले प्राइवेट नहीं था? आप खुद बताओ, क्या पहले प्राइवेट नहीं थी सारी चीज़ें? और प्राइवेट रहेगी भी तो आप खुद सोचो, अगर प्राइवेट संस्थाएं भी ना हो, केवल सब कुछ गवर्नमेंट हो, सब कुछ सरकारी हो, तो क्या प्राइवेट वाले मर जाए ना? यही तो रहेगा। और जो चीज़ें प्राइवेट में है ना मेरे भाई, वो गवर्नमेंट में नहीं है, और जो चीज़ें गवर्नमेंट में है ना ऐसो आराम, मतलब कि रिलैक्स बिल्कुल, वह प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में पैसे बहुत हैं लेकिन रिलैक्स नहीं है लाइफ में, पैसे बहुत हैं मेरे भाई। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात कर लो, गवर्नमेंट में बहुत रिलैक्स है, बहुत आराम की ज़िंदगी है, लेकिन पैसे, जितना आपका एक तरह से लेवल है ना उससे कम ही पैसे मिलते हैं। मतलब पैसे दिन पे दिन बढ़ेंगे लेकिन आप मतलब एक लेवल में आप बंध जाओगे, उसमें फिक्स है इतना सैलरी। और लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट चिल्लाते रहते हैं मेरे भाई, जो भी कुछ हो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मैं बोलूँगा। लेकिन मैं यह बताने वाला हूँ क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, योगी सरकार ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने आसपास के सरकारी प्राइमरी जूनियर स्कूलों को गोद लेने का आदेश जारी किया है, है ना। इस आदेश के तहत प्राइवेट स्कूलों के 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्राइमरी या मतलब जो भी सरकारी प्राइमरी या जूनियर स्कूल होंगे, इस योजना के तहत दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति बनाएंगे। दोनों स्कूल के बच्चों के ग्रुप लर्निंग के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्य शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति बनाएंगे। दोनों स्कूलों के बच्चों के ग्रुप लर्निंग के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए कार्यरत योजना बनाएंगे। और उस योजना में क्या क्या बातें हैं लिखी हुई हैं आप ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर लैब हो गया, शेयर किया जाएगा, और TLM खेल की गतिविधियां जितनी होंगी वह साझा की जाएंगी। जैसे हैंड पंप, मान लीजिए सरकारी गवर्नमेंट में कितने अच्छे हैंड पंप होते हैं आपको तो पता ही होगा ना, तो उस हैंड पंप को एक तरह से अगर गोद ले ली, मतलब किसी भी अपने आसपास के, मान लीजिए कोई भी प्राइवेट, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे, वह किसी एक सरकारी स्कूल या प्राइमरी या फिर जूनियर को गोद ले लिया, तो मान लीजिए कभी वहाँ के हैंड पंप ख़राब हो गए, तो उस हैंड पंप ख़राब होने की, जो गोद लिया होगा स्कूल, वहाँ के बच्चे, जो सरकारी स्कूल के, प्राइवेट का तो ख़राब नहीं होगा भाई, अगर प्राइवेट का ख़राब होता है तो प्राइवेट वाला प्राइमरी में जाएगा। लेकिन ऐसा यह कहना मतलब उचित है ही नहीं, अनुचित है भाई। कोई प्राइवेट संस्था अगर चल रही है ना, उसकी फैसिलिटी काफ़ी बेस्ट होती है अपने आप में, एक मतलब काफ़ी खूबसूरत होता है मेरे भाई, काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे लेवल की फैसिलिटी होती है, बस पैसे वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, बच्चे देते हैं वहाँ पर। अभी अब क्या है, देखिए, एक गोद ले लिया, मान लीजिए एक कोई, अभी आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बस आप सुनते चलें, हमारी बात को समझने का प्रयास करें बस आप, है ना। मतलब एक जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइमरी हो या जूनियर, उसको गोद ले लिया है कोई एक तरह से जो प्राइवेट स्कूल है, है ना, प्राइवेट स्कूल जूनियर या फिर एक तरह से आपका प्राइमरी वाला, वो अगर गोद ले लिया है, अब उसकी सारी फैसिलिटी उसके अंदर हो जाएंगे, मतलब दोनों के बच्चों हमेशा एक तरह से शेयर करेंगे। और यह भी कहा गया है हर 2 घंटे और 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि हर 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में जितने प्राइमरी स्कूल होंगे, जूनियर हो चाहे आपका
प्राइमरी हो उसको गोद लिया जाएगा वहाँ के प्राइवेट स्कूल द्वारा, क्षेत्रीय प्राइवेट स्कूल द्वारा। और उसमें क्या होगा कि दोनों के प्रधानाचार्य में एक तरह से विचार विमर्श होगा कि हमारे बच्चे जो है ना आपके यहाँ जाकर आपके बच्चे के साथ एक तरह से ग्रुप लर्निंग करेंगे और अपने खेल कूद के जो सामान होंगे ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, हमारे बच्चों को आप सिखाओगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये बहुत अच्छा पहल है। अब इस चीज़ को गलत तरीके से आंका जा रहा है, लोग क्यों आंक रहे हैं मुझे तो नहीं पता। खैर अभी तक क्या प्राइवेट नहीं था क्या, टीचर की जो जॉब है अभी तक प्राइवेट नहीं थी क्या, जब प्राइवेट में भर्ती नहीं हो रही थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लोग क्यों इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर, मैं नहीं समझ रहा हूँ। आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं, मैं खुद बताऊं यार ना, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको पढ़ाकर सीटेट यूपीटेट निकाल दिए, सुपर टेट की खुद तैयारी करवाते हैं। उन लोगों की मेंटेलिटी को मैंने देखा, मैंने भांपा, और यह सारी चीज़ें जब वो बोल रहे हैं ना तो बहुत गलत तरीके से आंक रहे हैं भाई। यह चीज़ें नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, मेरे भाई भर्ती आएगी। अब जो उसके लायक होगा ना, भले भर्ती मान लीजिए हो सक इस बार तो आना तय है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ख्वाब हो जाएगा एक तरह से, अगर नहीं पढ़ोगे तो सारी चीज़ें ख्वाब ही रह जाती हैं, यह चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए एक सीट तो फिक्स है, आपको एक सीट से मतलब रखना है ना, तो एक सीट के लिए फ़ाइट करो, पढ़ो अच्छे से ढंग से पढ़ो, ये चीज़ें निकलेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं जो बता रहा हूँ ना वो 100% सत्य है मेरे भाई। इस चीज़ को आप आंकिए मैं जो बोल रहा हूँ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डीमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भर्ती सारी की सारी जैसी हैं वैसी ही पड़ी रहेंगी, सारी आएंगी। हो सकता है विलंब जो हो रहा है ना, विलंब हमको आगे थोड़ी सी और देखने को मिल जाए, क्योंकि देखिए भविष्य में चुनाव है लोकसभा का 2024 का, है ना। तो पिछली बार अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है ऐसा कुछ, तो मैं उस सब के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी जो हमारा इधर से मानना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पिछले मैं एलिजिबल भी ना था, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था, तो मैं तब भर्ती आई थी 2018 में, तो उस समय मैं बात कर रहा हूँ जो भर्ती आई थी 2019 के लोकसभा के चुनाव था, उसी समय मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो मुझे पता ना था इसके बारे में, अब तो थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। तो उस समय जो भर्ती आई थी भाई मेरे, उस समय आप देखेंगे तो लगभग 3 या 2 महीने पहले ही भर्ती आई थी चुनाव के, जो आपका आचार संहिता लगा था। और इसमें भी इस बार भी ऐसा ही होगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कभी सहम नहीं जाना है, ठीक है ना, और हारना नहीं मेरे भाई। आपके पास दो दो हाथ हैं, दो पैर हैं मेरे भाई, है ना, आप पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कैसे कैसे हार जाओगे आप, है ना। हारना नहीं है, बस तरीके से पढ़ाई करते रहना है। और एक चीज़ और दिमाग में रख लेना, ये जो फिजूल की बातें होती हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब वाले लोग करते हैं, मैं नहीं, मैं भी करता हूँगा, आप खुद जानिएगा, है ना, तो आप उनसे बचेंगे थोड़ा सा। सुन लीजिए सबकी, नहीं करिए अपने मन की, मैं ये कह रहा हूँ। और सारी चीज़ें जो सही नज़र से बताई जाती हैं ना, जो चीज़ें होती है उसमें, वही चीज़ सुनने के प्रयास किया करिए। और रही बात बताने को, तो बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं कि भर्ती बंद। मैं अभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था, योगी बाबा जो योगी बाबा हैं वह सावक को दूध पिला रहे हैं, सावक मतलब जो चीता आया हुआ है ना मेरे भाई, उसके बच्चे को। तो सही है भाई, अगर खतरनाक योद्धा लोग हैं तो क्या ही करेंगे, और चीते हैं भाई तो चीते को ही दूध पिलाएंगे ना, किसी कुत्ते बिल्ली को थोड़े दूध पिलाएंगे। तो चीता बन जाओ आप भी, और मस्त तरीके से मैं यही कहूँगा, तैयारी जैसे आप कर रहे हैं ना अपना दांव पेच वैसे ही करते रहिए। ये सारी चीज़ें अफवाह के रूप में आती रहती हैं, और ये चीज़ें नोटिस हैं जो है ना, ये सत्य नोटिस है। बताओ इसमें फ़ायदा किसका होगा, आप खुद सोचो, योगी बाबा का ना फ़ायदा होगा। मान लीजिए हैंडपम्प बिगड़ गया तो हैंडपम्प बनवाएंगे नहीं, चले जाएंगे प्राइवेट वाले में के पास, बच्चे भाई। और गोद एक फैसिलिटी और आई थी, आपको पता है कि पिछला बार एक संसद में ऐसा संभव, हमारे संसद भवन में एक ऐसा चीज़ें डेवलप की, मतलब ऐसा बातें बोला गया था कि हर एक जो आपका एक तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, है ना, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह हर एक गांव को, हर एक राज्य के, मतलब अपने क्षेत्रीय गांव को गोद लेगा और उसका विकास कराएगा। बस वही एक प्रक्रिया यहां पे भी, अभी कितना ज़्यादा सफल था पिछला आपको पता ही है, और ये कितना ज़्यादा सफल होगा आपको पता ही है। और मेरे भाई हमको नहीं लगता है कि भर्ती नहीं आएगी, और ऐसा कहने वाले लोग किस आधार पर कह रहे हैं उनसे भी वही सब जानते होंगे, लेकिन मेरा मानना है भर्ती आएगी। और जो बच्चा लगा रहेगा ना लगन से, यह सोच के लगे रहोगे तो मन नहीं करेगा पढ़ने के मेरे भाई। सुपर टेट का मैंने क्लास भी चलाया है, रोज़ रात में 9 बजे आता है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखा करिए, पहला वीडियो आया है। और मैथ रीजनिंग मैं पूरा भरपूर तरीके से 25 नंबर कराऊंगा, अगर समय मिला तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा कू नाम से, ठीक है ना, कू नाम से, जिसमें कि पूरा का पूरा ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हर एक चीज़ होगा। अभी माँ अम्बे के नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, और देखिए आपकी मर्जी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिसके मन में भ्रम है ना वो भ्रम तोड़ना है आपको। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे बीएड और बीटीसी कर रहे हैं कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे, मेहनत है जहाँ पर
रंग लाएगी, हर जगह लाएंगी मेरे भाई। बस मेहनत कंटिन्यू रखना ना। धन्यवाद, शेयर करिएगा इस वीडियो को।